किसी भी कंट्री के रोड्स का कलर ऐसे ब्लैक होता है, पर कतर कंट्री के रोड्स का कलर ऐसे ब्लू और रेड क्यों? और एक पिता ने अपने बेटी को 13 साल तक ब्लैक व्हाइट रूम में बंद कर दिया था, और 13 साल बाद जब वो लड़की उस रूम से बाहर आई तो उसके साथ क्या हो रहा था ये जानकर आपका दिमाग बैफलिंग करने लगेगा। और देखो, जब इमेंस लेवल का स्नोस्टॉर्म आता है तो वो किसी भी चीज का हाल कुछ ऐसा कर सकता है। तो ऐसे ही इस वीडियो में और भी स्टनिंग फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। फैक्ट नंबर 17, हैरी पॉटर मूवी के इस वोल्डेमॉर्ट कैरेक्टर की तरह दिखने के लिए एक 32 साल के फ्रेंच मैन ने अपने नाक और लिप का सर्जरी करा लिया और अपने पूरे बॉडी पर टैटू करा लिया ताकि ये हैरी पॉटर के उस वोल्डेमॉर्ट कैरेक्टर की तरह दिख सके। इसको कहा किया जाए, अब आप ही बताओ। फैक्ट नंबर 16, एक अडल्ट आदमी का शरीर 206 हड्डियों से मिलकर बना होता है, पर हमारा जो स्कल होता है वो अकेले ही 29 हड्डियों से मिलकर बना होता है, और उन बोन्स का नाम आप इस इमेज में देख सकते हो। फैक्ट नंबर 15, यह है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का बॉर्डर जो कुछ ऐसा दिखता है। देखो, एक साइड नॉर्थ कोरिया और दूसरे साइड साउथ कोरिया है। फैक्ट नंबर 14, डायोमेड आइलैंड नाम का एक आइलैंड है जो कि दो आइलैंड्स का एक कॉम्बिनेशन है। इस आइलैंड का एक हिस्सा आता है रशिया के अंडर और एक हिस्सा अमेरिका के, और इन दोनों आइलैंड्स के बीच की दूरी है जस्ट 3.8 किलोमीटर। पर सरप्राइजिंग बात यह है कि दोनों आइलैंड्स के बीच का टाइम डिफरेंस है 21 आवर्स। फैक्ट नंबर 13, माउंट एवरेस्ट का जो समिट पार्ट है, मतलब ये जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा, ये मरीन लाइमस्टोन से बना है जो कि समुद्र में पाए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि धरती का सबसे हाईएस्ट पॉइंट कभी ना कभी समुद्र के गर्भ में था। आई नो दिस इज हार्ड टू बिलीव बट ये ट्रू है। फैक्ट नंबर 12, आपको पता होगा कि चीजों को रिसाइकल करके दोबारा यूज किया जाता है, तो सवाल ये आता है कि हम किसी चीज को कितनी बार रिसाइकल करके यूज कर सकते हैं। तो देखो, अगर हम पेपर की बात करें तो एक पेपर को 4 से 6 बार तक रिसाइकल करके यूज किया जा सकता है, उससे ज्यादा बार नहीं, क्योंकि 4 से 6 बार तक रिसाइकलिंग करते करते पेपर में जो फाइबर्स होता है वो एक दूसरे से बंधने के लिए तब तक बहुत वीक हो जाता है। फैक्ट नंबर 11, आइंस्टाइन ने अपनी पहली पत्नी जो कि मिलीवा मैरिक थी, उनसे डाइवोर्स लेने के लिए, उनको डाइवोर्स के लिए कन्विंस करने के लिए उन्होंने अपने पत्नी से प्रॉमिस किया था कि मैं अपने प्राइज में जीते सारे पैसे दे दूंगा, पर तुम मुझे डिवोर्स दे दो। और आइंस्टाइन ने वैसे ही किया, डिवोर्स लेकर प्राइज के सारे पैसे दे दिया। फैक्ट नंबर 10, जो क्रोकोडाइल्स होते हैं तो उनमें जो मेल क्रोकोडाइल्स होते हैं वो अपने बच्चों को अपने पीठ पर बैठा कर कुछ इस तरह से ट्रैवल कराते हैं, रियली एक आइडियल फादर की तरह। फैक्ट नंबर 9, जेनी नाम की इस बच्ची को इसके पिता ने इसके लाइफ के पहले 13 साल तक एक ब्लैक व्हाइट रूम में बंद कर रखा था, मतलब सब चीज से दूर 13 साल तक इस लड़की ने एक ब्लैक व्हाइट रूम में बिताई। और 13 साल बाद जब चाइल्ड अथॉरिटीज को इसके बारे में पता चला तो इसको उस रूम से बाहर निकाले, पर वो लड़की तब तक बाहरी दुनिया को बहुत ही अजीब तरीके से दिख रही थी, उसको उस वक्त तक बोलने तक नहीं आ रहा था। सोचो कितना क्रूएल होगा वो इंसान जिसने इसे रूम में बंद कर रखा था। फैक्ट नंबर 8, हम लोग अपने गांव के आसपास जहां भी मधुमक्खियों का छत्ता देखते हैं वो ऐसे सिलिंड्रिकल शेप में ही बना हुआ देखते हैं, पर जब आप जंगल के बी हाइव्स को देखोगे तो वो कुछ ऐसे बने होते हैं, मतलब एक ही मधुमक्खी जंगल में कुछ ऐसा छत्ता बनाती है और लोकल ट्रीज पर कुछ ऐसा। फैक्ट नंबर 7, जो स्नोस्टॉर्म आता है वो बहुत ही हॉरिफिक होता है, जैसे आप इस इमेज में ही देख लो, जो मोबाइल टावर होता है ना ये वही है, और इसका ये हाल एक बहुत ही मैसिव स्नोस्टॉर्म के चलते हुआ है। देखो, पूरा टावर बर्फ से ढक गया है। फैक्ट नंबर 6, जहां तक संभव हो सके हमें ट्रैवल के लिए पर्सनल कार के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ही यूज करना चाहिए, क्यों बताता हूँ। देखो इस इमेज को देखो, अगर इतने सारे आदमी को ट्रैवल करना है तो अगर बस से ट्रैवल करेंगे तो सारे एक ही बस में आ जाएंगे, पर अगर सारे अपने अपने व्हीकल्स से यानी कार से ट्रैवल करेंगे तो उसी रोड पे व्हीकल्स की संख्या इतनी हो जाएंगी और पोल्यूशन, फ्यूल वेस्ट और जैम होगा वो तो अभी छोड़ ही दो। दैट्स व्हाई वी मस्ट प्रीफर पब्लिक ट्रांसपोर्ट डिस्पाइट पर्सनल व्हीकल्स। फैक्ट नंबर 5, इसे कहते हैं बार्बी पैगोडा फंगस। जी हाँ, ये कोई फूल नहीं, एक फंगस है, पर देखो इसका जो लुक होता है वो रियली ऑसम होता है, और ये फंगस न्यू कैलेडोनिया में पाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 4, बिर टेविल नाम का अर्थ पर एक जगह है, और एक आदमी ने ये क्लेम किया कि पूरी पृथ्वी पर यही एकमात्र अनक्लेम्ड एरिया बचा है, मतलब इस पर किसी का हक नहीं है, सो दैट अब ये एरिया मेरी है, और इस एरिया की मेरी बेटी प्रिंसेस है, मतलब अपनी बेटी को क्वीन वाली फीलिंग दिलाने के लिए उसने ये सब किया। फैक्ट नंबर 3, पहले एप्पल का जो
एप्पल 3 कंप्यूटर होता था वो बहुत हिट हो जाता था। तो बार बार लोग एप्पल सेंटर में कॉल करके एम्प्लॉइज से पूछते थे कि इस कंप्यूटर को कूल करने का क्या सोल्यूशन है। तो पता है इस कंप्यूटर को कूल करने का एप्पल एम्प्लॉइज क्या सोल्यूशन बताते थे? बोलते थे कि कंप्यूटर को 2 इंच ऊपर उठाओ और छोड़ दो। ये एप्पल 3 कंप्यूटर को कूल करने का ऑफिशियल सोल्यूशन था। रियली फैक्ट नंबर 2। आपको पता है जब ब्लड खींचा जाता है तो वो वेंस से खींचा जाता है, नहीं तो अगर गलती से भी मसल से ब्लड ड्रू हो जाता है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे ही एक वियर्ड सा केस कनाडा में घटित हो गया। क्या हुआ कि एक बार एक नर्स ने इस औरत के वेंस से ब्लड खींचने की बजाय इसके आर्टरीज से ब्लड खींच दिया। उस नर्स की इस गलती के चलते इसने अपने हाथ के मोबिलिटी को खो दिया। सिर्फ एक गलती के चलते ये अपने इस हाथ को हिला तक नहीं पाती। फैक्ट नंबर 1। कतर कंट्री में आपको बेसिकली 3 कलर के रोड्स देखने मिल जाएंगे, ब्लैक, ब्लू और रेड। ब्लैक तो रोड का कलर ही होता है, पर ब्लू और रेड रोड्स का क्या मिस्ट्री है? तो सुनो, कतर कंट्री अपने रोड्स को ब्लू कलर से इसलिए पेंट कर रही है ताकि रोड्स हीट कम एब्जॉर्ब करें, क्योंकि कतर कंट्री का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वहाँ के ब्लैक रोड्स बहुत गर्म हो जाते हैं जिसकी वजह से व्हीकल्स के टायर बार बार पंक्चर हो जाते हैं। पर उन्हीं रोड्स को ब्लू कलर से पेंट करने के बाद ये सब चीजें होनी बंद हो गई। और वहीं कहीं कहीं रेड कलर्स के रोड इसलिए होते हैं ताकि वो रोड्स नॉर्मल डे में रोड के रूप में भी यूज हो सके और किसी नेशनल डे पर इसको बंद करके यहाँ कोई नेशनल इवेंट भी किया जा सके। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर उस बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना।